ज जिसमें आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट कैसे हो सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा क्या हम लाइव है क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ सुनाई दे रही हूँ गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग अभी भी लैक कर रहा है बेटा अब बताओ एक बार आप बताओ एक बार अभी भी लैक कर रहा है क्या इज इट स्टिल लैगिंग या ठीक है अभी गुड मॉर्निंग सिद्धि गुड मॉर्निंग हेलो एवरीबॉडी ठीक है अभी अब नहीं कर रहा है ना ठीक है ओके okay, ठीक है परफेक्ट गुड मॉर्निंग शिवानी ओके ठीक है चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स ओके तो एनिमल किंगडम की टेंशन मत लेना एनिमल किंगडम मिल जाएगा आज ही मिल जाएगा आप लोगों को है ना अभी पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स कर लेते हैं फटाफट -फट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना जो थोड़ा बहुत भी ऐसा हो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा मॉर्फोलॉजी एनिमल किंगडम है ना कुछ कुछ एक, तो एक दो एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी के नहीं है बट उतना आपके लिए फायदेमंद ही है तो उनको हम साथ साथ में याद कर लेंगे ठीक है मिल जाएगा एनिमल किंगडम और अन्य आज ही मिल जाएगा टेंशन मत लेना ठीक है चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फटाफट से सब लोग अटेंडेंस लगा दो लाइक कर दो सेशन को और हम लोग मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं है ना अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स अ प्लांट वाया अब बेटा अगेन मोर्फोलॉजी जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहां आपको इस डिजीज के बारे में नहीं बताया पर उसके स्टार्ट होने से पहले एक पैराग्राफ है जहाँ आपको कैथरीन साऊ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है है ना वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है वहां पर इस डिजीज के बारे में बता रखे है तो अब कैथरीन साऊ से एक बार हमें क्वेश्चन मिला है तो हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस सीरीज में एड कर लिए आपको याद रहे तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे

अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड ये सब उन्हीं का बखान हो रहा है साउ के बारे में आपको बताया है. तो आपको मेजरली क्या याद रखना है साओ की लिखी हुई बुक्स आपको याद रखनी है उसके सिवा बेटा उसके सिवा आपसे क्या पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में <coughs> साउ को नेशनल एकेडमी अवार्ड मिला था 1957 में 1989 में उनको नेशनल मेडिकल ऑफ साइंस अवार्ड मिला था ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये सब साउ के डिस्क्रिप्शनस हैं आपसे जो मेजर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुक्स के नेम पे आ सकता है ना एनाटॉमी बुक उन्होंने लिखी थी जिसको आप वेबस्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो अकेडमी ऑफ सीड प्लांट पूरा इनसाइक्लोपीडिया उनका लिखा हुआ था उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले जैसे नेशनल एकेडमी अवार्ड मिला है उनको और नेशनल मेडिकल ऑफ साइंस अवार्ड भी मिला है उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर कलेक्ट कर ली उससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स अब हम चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम देखते हैं और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपने इससे पहले सिर्फ साउ का कुछ डिस्क्रिप्शन देखा है ठीक है चलो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हो इंटरनल स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक्स की हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं एनाटमी में और मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बाहर है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन रेडिकल फॉर्म जब आप सीट की बात करते हो वहां पर एक क्लूम्यूल है और एक रेडिकल है रेडिकल से क्या बनता है रूट सिस्टम प्लिम्यूल से क्या बनता है शूट सिस्टम तो रेडिकल से क्या बनता है बेटा रूट सिस्टम आंसर होगा ए बिल्कुल बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट द लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट इज जब आप टैप रूट सिस्टम की बात करते हो तो एक प्राइमरी रूट ऐसे पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है इससे <coughs> <laughs> उससे साइड में यहाँ पर रूट आ रही होती है लेटरली रूटेंट है तो जो लेटर रूट से अराइज होती है, की है वहां से roots, roots, इन्होंने पूरा लिखा हुआ है अब प्राइमरी रूट तो खुद वो है आंसर नहीं हो सकता तो आंसर क्या जाएगा सेकेंडरी रूट हालांकि याद रखना सेकेंडरी रूट भी टर्शरी रूट भी ये सब लिटरली आ रही है बट क्योंकि बोथ बी एंड सी मेरे पास ऑप्शन में नहीं था तो हम आंसर भी देंगे क्योंकि बोथ बी एनसी मेरे पास ऑप्शन में नहीं था तो हम आंसर भी दे देंगे वैसे सी भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है ठीक है प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट सेकेंडरी रूट से, से टर्शरी रूट, रूट, रूट ठीक है ओके बच्चे आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन आपको एक डायग्राम दे रखा है टैप रूट सिस्टम आपको दे रखा है और आपको बताने इनमें से कौन सा सूटेबल है इस फिगर के लिए है ना ऑलरेडी बता दिया कि टैप रूट सिस्टम है तो इसमें आपको प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलेंगी ऐसी रूट मस्टर्ड में देखने को मिलती है जी हाँ याद रखना मस्टर्ड में प्रॉपर बढ़िया टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है सही बात है

स्वीट पटेटो कैरेट और टर्निप की तो ये स्टोरेज के लिए यूज है ऐसा आपको बता रखा है ऐसा आपको बता है। तो स्वीट पटेटो कैरेट और टर्निप जो है वो क्या है वो स्टोरेज का, का काम करते हैं अब बेटा वैसे अगर आप देखोगे तो स्वीट पटेटो में कैरेट में टर्निप में आपको एडवेंटेश रूट्स मिल जाती है ऐसा नहीं आपको एडवेंटेश रूट्स नहीं मिलती बट यहां पर आप ऑप्शन देखो जरा वन फोर वन थ्री टू थ्री मतलब इन्होंने मैक्सिमम फोर या फाइव ऑप्शन ही ले रखे इसका मतलब ये चीज डायरेक्ट एनसीआरटी के एग्जाम्पल से ही हमको करनी है अब वहां पर अगर आप देखोगे तो एक आपके पास फाइब्रस और वन टू थ्री थ्री हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बी कर दूंगी ऐसे अगर आप देखने चलो आपको इन सब में एडवेंटेश कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा बेटा पर वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एनसीआरटी के एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर वीट हमारे पास फाइब्रस है वन ग्रास मोस्टर और बनियन हमारे पास है आंसर हो जाएगा बी बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम रेडिकल बिल्कुल भी नहीं टैप रूट सिस्टम होता है बेस ऑफ स्टेम इन टफ्ड एज इन वीट इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं फाइब्रस भी हालांकि एक तरीके के एडवेंटिशियस रूट होते हैं पर हमें इन्हें फाइब्रस रूट्स कहते हैं जो बेस ऑफ स्टेम से आते हैं पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल अब आप देखोगे तो डेफिनेशन आपको यही दी हुई है कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल अगर रूट आती है तो उसे आप एडवेंटेशियस रूट कहते हो लेकिन यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल मस्टर्ड दे दिया बेटा मस्टर्ड में एडवेंटेशियस रूट्स नहीं होती मस्टर्ड इज डिवाइड ऑफ एडवेंटेशियस रूट मस्टर्ड में आपके पास सिर्फ टैप रूट सिस्टम है तो ये आंसर कैसे करेंगे सी मुझे पता है देखते बहुत बच्चों को सी लग रहा है पर यहाँ मस्टर्ड लिख दिया बेटा मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम है इट इज डिड एडवेंटेशियस रूट स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है तो फिर अब क्या करें अब मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा बी बिल्कुल रिया अब मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा बी अब हम सेकंड पे जाएंगे फिर अपने आप क्यों क्योंकि फाइब्रस भी हमें पता है एक तरीके की एडवेंटेशियस ही है वो भी अदर देन रेडिकल ही आ रही है तो फिर हम बी पे जाएंगे मस्टर्ड है स्टेप रूट ओनली अदिति बिल्कुल इसको याद रखना है बिल्कुल ठीक है अच्छा क्वेश्चन था ना ये आपका चिंटू क्वेश्चन था इसको मार्क कर लो ये आपका चिंटू क्वेश्चन था सिर्फ मस्टर्ड की वजह से गलती हो जाती है यहाँ पे तो इसको ध्यान रखना ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रूट में नोड और इंटरनोड मिलता है नहीं स्टेम में मिलता है रूड नेगेटिव फोटोट्रॉपिसम है फोटोट्रॉपिजम मतलब लाइट की तरफ और ये जाती है लाइट के अगेंस्ट बिल्कुल नेगेटिव फोटोट्रॉपिसम है नेगेटिव जियोट्रॉपिजम है नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है नहीं पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी ठीक है आगे देखें क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नॉट को सर्कल करो गलती ना हो जाए नॉट द मेन फंक्शन ऑफ अ रूट सिस्टम रूट सिस्टम का इसमें से कौन सा फंक्शन मेन नहीं है फंक्शन बता रखे आपको रूट के ये सॉइल से सैप अब्सॉर्ब करती है सैप मतलब वाटर और मिनरल ठीक है ये प्लांट को एनक एनकरेज देती है मतलब सपोर्ट देती है उस सॉइल में रहने का जी हाँ देती है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बिल्कुल सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देती है तो सारे ही फंक्शन है आंसर हो जाएगा डी कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो ना हो ये सारे ही फंक्शन रूट्स करती हैं इसके सिवा एक और फंक्शन आपको बताया जाता है कि ये रिजर्व करके रखती है फूड मटीरियल ये रिजर्व करके रखती है फूड मटीरियल ये भी फंक्शन लिखा हुआ है तो ये सारे ही फंक्शन रूट के हैं आंसर होगा डी

इन एक्वेटिक प्लांट्स तुम लोग क्या मतलब पढ़ लो ना टाइम कितना कम रह गया हमारे पास इतने से दिन रह गए हैं ये टाइम अभी ना एग्जाम के बारे में सोचने का है मम्मी पापा के बारे में नहीं है यहाँ पे अभी टाइम है ना In ने हमें बताया है कि रूट की एपेक्स को कवर करता है एक थिम्बल पेरेंटिस टिश्यू जो कि रूट कैप बनाता है लेकिन आपसे पूछा क्या है एक्वेटिक प्लांट इसको आप याद रखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के पास रूट कैप नहीं होता एक्वेटिक प्लांट के पास रूट कैप नहीं होता इंस्टेट रूट पॉकेट होता है याद रखना एक्वेटिक प्लांट्स के पास रूट कैप नहीं होता इंस्टेड रूट पॉकेट होता है ठीक है आगे आगे देखो 16, आगे देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर आइडेंटिफाई द रीजन रीजन ऑफ रूट टिप फिर से ये से ये डायग्राम आपके में इन आपने बिटवीन एनसीआर लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन देखे इससे मैच द फॉलोइंग करेक्ट इन करेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा इन पर्टिकुलर रीजन से बहुत कुछ पूछा भी जाता है ठीक है तो एक बार मेरे साथ इसकी मार्किंग कर लो ये जो कवरिंग है ये आपको पता है रूट कैप होती है ये आपको पता है रूट कैप होती है यहाँ पर आपके पास मरिस्टमैटिक रीजन आता है मरिस्टमैटिक रीजन आता है फिर आपके पास एलोंगेशन जोन आता है और फिर आपके पास मेच्युरेशन जोन आता है और उस मेच्यूरेशन जोन के एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स आ रहे होते हैं यही पढ़ते हैं हम लोग यही पढ़ते हैं हम लोग देखो इसको फटाफट से ए क्या है आपके पास रीजन ऑफ मेच्यूरेशन जी हाँ बी है रीजन ऑफ एलोंगेशन जी हाँ C है एक्टिविटी बिल्कुल और डी है रूट कैप एकदम करेक्ट हमें पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट मिल गया आंसर ये हो जाएगा क्या बात वेरी नाइस nice बच्चो वेरी नाइस अंकिता एस्थेटिक गर्ल नाइस आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रूट हेयर अराइज फ्रॉम अभी मैंने आपको बताया रूट हेयर कहां से आ रहे हैं मेजुरेशन जोन में आपको देखने को मिल रहे हैं फिर से देखो यहाँ पे अच्छा हमें पता है कि ये एलोगेशन जोन में नहीं है तो उनके ऑप्शन हम कट कर देंगे मैचुरेशन जोन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कॉर्टेक्स के सेल या एपिडल स्टेम हो जो रूट हेयर आ रहे हैं ना जो एक्सटेंशन आ रहा है वो हमेशा एपिडर्मल सेल से आता है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी आंसर क्या होगा यहाँ पे बी बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर एटीन हमें मिसमैच पेयर आपको बताना है मरिस्टमैटिक जोन में जो सेल्स होते हैं वो अभी स्मॉल है थिन वॉल है और डेंस पूरा नहीं लिखा हुआ बेटा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है ये बात याद रखना अभी बहुत स्मॉल है अभी थिन वॉल है लिविंग है डेंस प्रोटोप्लाज्म एलोंगेशन के सेल्स की अगर आप बात करोगे तो उनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आ चुकी है अभी मैच्योरेशन की तरफ जाएंगे पर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो ये रूट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी हाँ मेच्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एलोंगेशन के बिल्कुल प्रॉक्सिमल है बिल्कुल पास है जी हाँ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है रूट हेयर की अगर अपने बात करें तो इसमें डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर सेल proximal टू रीजन ऑफ maturation जो आपके मैच्यूरेशन के हैं हैं वो mature differentiated है, वो और प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेच्यूरेशन नहीं है पहली बात दूसरी बात वो उसके प्रॉक्सिमल नहीं है बेटा उसी रीजन में present है है तो ये जो description है, ये जो आपके पास रीजन ऑफ मेच्यूरेशन के cells का है ये रूट हेयर के सेल्स का नहीं है ना तो यही हमारे पास मिसमैच हो जाएगा यही हमारे पास मिसमैच हो जाएगा आंसर डी बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

And pneumatophores are observed in तो जो स्टेट रूट्स आपके पास होती है ये वो रूट्स होती हैं जो स्टेम की एकदम लोअर नोड से आ रही होती है है ना उनको आप स्टिल्ड रूट्स कहते हो और न्यूमेटोफोर्स आपको पता है आपको राइजोफोरा में मिलता है ठीक है बेटा देखो यहाँ पर राइजोफोरा लिखा है या राइजोपस लिखा है तो न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में मिलता है जो स्टिल्ड रूट्स होती हैं वो लोअर नोड से आती हैं सपोर्ट देने का काम करती हैं ये मेज में भी होती हैं ये शुगर केन में भी होती है लेकिन मैं शुगर केन वाला ऑप्शन ले नहीं सकती क्योंकि राइजोपस नहीं है न्यूमेटोफोर राइजोफोरा में आंसर ए हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल बी नहीं होगा ए होगा राइजोफोरा है राइजोपस नहीं है न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में है स्टिल रूट्स किस किस में देखने को मिलती है मेज में भी देखने को मिलेंगी शुगर केन में भी देखने को मिलेंगी और ये स्टेम को सपोर्ट देने का ही काम करती है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है एकदम लोअर नोट से ओरिजिनेट हो रही होती है आगे देखो ट्वेंटी वन मकैनिकल रूट बेटा ये मकैनिकल रूट कोई अलग से ऐसा नहीं है कि मकैनिकली वो काम कर रही है ये वो रूट है जो मकैनिकल सपोर्ट देने का काम कर रही है तो मकैनिकल सपोर्ट देने का काम करने वाली रूट्स हैं तो उनमें स्टिल्ड रूट्स आ जाएगा उनमें प्रॉप रूट्स आ जाएगा अब स्टिल्ड रूट्स आपको पता है शुगर केन और बेज में है प्रॉप रूट आपको पता है बनियन ट्री में है तो आंसर क्या चला जाएगा डी ऑल ऑफ दीस आंसर क्या चला जाएगा डी ऑल ऑफ तीस बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फूड स्टोरेज के लिए रूट किस में मॉडिफाई हुई है है ना फूड स्टोरेज के लिए रूट मॉडिफाई होती है बेटा स्वीट पटेटो में हमने स्वीट पटेटो पढ़ा है पटेटो क्यों नहीं जिंजर क्यों नहीं इनमें फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफिकेशन है ना वो स्टेम का है रूट का नहीं है इनमें स्टेम का मॉडिफिकेशन है ट्यूबर और राइजोम मिलेगा आपको रूट का मॉडिफिकेशन स्वीट पटेटो में मिलेगा ठीक है आंसर होगा बी आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या आ रहा है आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल वो स्टेमस से बेटा आंसर बी होगा बिल्कुल आगे देखो मैच द तो फॉलोइंग अच्छा अलग अलग तरीके की रूट अब ये मॉडिफिकेशन फिर से मैं बता रही हूँ डायरेक्ट नम एनसीआर के अंदर नहीं है बट हमने ये पढ़ा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि डायग्राम एनसीआर में है और हमने देखे हुए तो हम कर सकते हैं इसको ठीक है क्रॉनिकल रूट वो होती है बेटा जो कौन जैसी है ब्रोड बेस पे ब्रोड है और फिर आगे से इस तरीके से कौन जैसी हो रही है जैसे कि क्या होती है आपके पास जैसे कि क्या होती है आपके पास गाजर कैरेट है ना तो क्रॉनिकल रूट कैरेट में देखने को मिलती है वही मैं आपको बताऊं फ्यूजी फॉर्म रूट ये वो है जो मिडिल में थोड़ी सी स्वॉलन है बट बाकी इसके दोनों एंड टेपरिंग है जैसे रेडिश मूली होती है ठीक है फॉर्म वो रूट होती है बेटा जिनका बेस ब्रॉड है और आगे से जाकर वो एकदम ऐसे टेपरिंग सी हो रही है है ना जैसे कि आपका शलगम है टर्निप है ठीक है जैसे कि आपका टर्निप है और ट्यूबरस रूट्स तो हमें स्वीट पटेटो में देखने को मिलती ही हैं तो आंसर बता दो आंसर बता दो क्या हो जाएगा फोर टू थ्री वन आंसर ए हो जाएगा फोर टू थ्री वन आंसर ए हो जाएगा फोर टू थ्री वन आंसर येगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्पेरेगस इज मेंट फॉर एस्पेरेगस में आपको कौन सा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है फूड का स्टोरेज एस्पेरेगस दहेलिया इन सब में फूड स्वीट पटेटो इनमें फूड के स्टोरेज का ही मॉडिफिकेशन है एस्पेरेगस एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ पर इसका डायग्राम बना हुआ है तो एस्पेरेगस में स्टोरेज जो फूड होता है ठीक है आंसर होगा ए आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्टिल रूट्स की बात करें स्टिल रूट्स आपको मेज में भी मिलेंगी आपको शुगर केन में भी मिलेंगी लेकिन वो कहाँ से आती है लोअर नोड से आती है इंटर नोड से नहीं आती तो इंटर नोड वाले ऑप्शन आप कट कर देंगे और अपर नोड से नहीं आती लोअर नोड से आती है तो आंसर ए हो जाएगा मिलती है मेज में भी है और शुगर केन में भी है आंसर ए हो जाएगा देखो ये एक लाइन कि स्टिल ट्रूट मेज और शुगर केन में मिलती है और लोअर नोड पर मिलती है इससे दो क्वेश्चन तो हमने अभी अभी देख लिया है ना इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फिर से किसकी बात हो रही है न्यूमेटोफोर्स की बात हो रही है न्यूमेटोफोर्स नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रो करते हैं तो क्या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज शो करते हैं नहीं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अगेंस्ट ग्रेविटी है ना मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं मैंग्रोव्स में मिलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिजम लाइट की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म नहीं तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है टू थ्री फोर और फाइव यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी ठीक है बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्टेम डिस्टिंगिश फ्रॉम रूट इन क्या क्या फर्क है स्टेम और रूट में ठीक है स्टेम के पास नॉड एंड इंटरनोड है सही बात है वो रूट के पास नहीं है ये बात बिल्कुल सही है स्टेम के पास नॉड और इंटरनोड एबसेंट है ऐसा कुछ नहीं है स्टेम के पास हेयर है वाटर एब्सॉप्शन के लिए रूट के पास रूट हेयर है वाटर वॉटरप्श के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है स्टेम के पास बर्ड नहीं होता गलत है स्टेम के पास तो बर्ड होता है जहां से लीव्स आती हैं बहुत सारे बर्ड्स हैं फ्लोरल बर्ड्स भी हैं लीव के बर्ड्स भी है, है ना तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा ए, हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्टेम आर डेवलप फ्रॉम स्टेम कहां से डेवलप होती है आपको पता है रेडिकल से रूट आती है और प्लूम्यूल से शूट आती है तो स्टेम कहां से आएगा प्लूम्यूल से आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टेम वेयर आर लीव नोड से ओरिजिनेट होता है बेटा स्टेम पे बहुत सारे नोड्स हैं नोड से ओरिजिनेट होता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा नोड्स इंटर नोड से नहीं सिर्फ नोड से दो नोड के बीच की जगह को आप इंटर नोड बोलते हो है ना आंसर होगा ए बहुत बढ़िया वेरी नाइस अदिति आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टेम्स की बात हो रही है अब स्टेम कैसे ग्रो करती है नीचे से ऊपर इस तरीके से तो क्या ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है नहीं अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना तो क्या ये पॉजिटिव है, नहीं। क्या ये है? नहीं। आप एक सेक्शन ऑफ ऑप्शन जियोट्रॉपिज है और ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है तो आंसर क्या होगा बी आंसर क्या होगा बेटा बी बिल्कुल है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें

स्टेम फूड का स्टोरेज करके रखता है कभी कभी तना या स्टेम भी फूड का स्टोरेज करता है क्यों करता है फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करवाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कराने के लिए फ्लारिंग कराने के लिए बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कराने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कराने के लिए स्टेम जो है फूड का स्टोरेज करके रखता है फेवरेबल में तो वैसे भी काम चल रहा है ना फूड आ रहा है अनफेवरेबल के लिए उसने स्टोर करके रखा हुआ है आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ओड वन बताना है स्टेम की मॉडिफिकेशन के लिए अब देखो जरा यहाँ पे जमीन कंध है कोलोकेशिया है बोगन विल्या है और टर्मरिक है और टर्मरिक है तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा जमीनकंद है कोलोकेशिया है टर्मरिक है इस इन सब में जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है ये फूड की स्टोरेज करती है जमीनकंद भी कोलोकेशिया भी भी टर्मरिक सब में में फूड का का स्टोरेज है लेकिन बोगन में जो स्टेम मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है उसमें एक्सिलरी बर्ड से थोड़ा आते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ मॉडिफिकेशन है तो आंसर क्या होगा सी क्यों क्योंकि बाकी सब स्टोरेज कर रही है मॉडिफिकेशन ये मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है

क्यूकुम्बर पंपकिन वॉटरमेलन इन सब में पढ़ा है हमने है ना टेंड्रिल्स जो हैं ग्रेप वाइन क्यूकुम्बर पंपकिन और वाटरमेलन ठीक है उसके सिवा सिट्रस और बॉगेनविलिया इनमें आपको थोर्स मिलेंगे इनमें आपको थोन्स मिलेंगे और पंशिया में क्या होता है स्टेम फ्लैट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करती है और कोलोकेशिया में कॉम मिलता है तो इन दोनों में एक्सिलरी बट का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन किस किस्में ग्रेप वाइन क्यूकुम्बर पंपकिन वाटरमेलन सिट्रस और बॉगनविलिया टोटल सिक्स आंसर बी हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा एंड बिल्कुल राइजोम के इनका अंडरग्राउंड स्टेम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है और ये फूड का स्टोरेज करता है फूड का स्टोरेज करता है जिंजर और टर्मरिक आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फोटोसिंथेटिक ग्रीन फ्लैटेंड मॉडिफाइड स्टेम

स्टेम इनमें से किस में प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाइड है जो आपको सिट्रस और में थोन देखने को मिलता है ओपंशिया में हमें थोन नहीं देखने को मिलता में फ्लैट स्टेम देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम थोन वर्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए सिट्रस थोन को आंसर करते हैं बेटा है ना थोन वर्ड को ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हुए सिट्रस थोन को आंसर करते हैं ठीक है चीके? आंसर होगा ए आंसर होगा ए डी नहीं बेटा ए एनसी कैसे ओपंशिया में पहली बात हम थोन की बात ही नहीं कर रहे स्टेम मॉडिफिकेशन में ओपंशिया में स्टेम फ्लैट होती है कशिश डी नहीं होगा बेटा आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आपके पास दो स्टेटमेंट है सम प्लांट्स इन एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल सही बात है फ्लैट कहते तो ग्रेप वाइन में स्टेम हैल्स होती हैं जो प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करती हैं बिल्कुल ग्रेप वाइन आपने देखा इन सब के अंदर क्या है जो टेंड्रल्स हैं वो क्लाइंबिंग में मदद करें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं आंसर हो जाएगा ए दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आंसर हो जाएगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पंपकिन में जो स्टेम टेंड्रिल आया है वो कहां से आया एक्सिलरी एक्री पर्ट भी और भी दोनों किसका मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का दोनों किसका मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मिंट के बारे में स्टेम मॉडिफिकेशन मिंट का एग्जांपल आपको क्या दे रखा है बेटा स्टोलोन में दे रखा है इस चैप्टर में इस चैप्टर में आपको बताया है कि मिंट और जैस्मिन इन दोनों में स्टोलोन मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है स्टेम का स्टोलोन मॉडिफिकेशन आप समझते हैं अगर इस तरीके से रूट है और इस तरीके से लीव है या स्टेम है तो एक लोअर स्टेम यहाँ पर बेंड करेगी इनमें से एक लोअर स्टेम बेंड करेगी थोड़ा सा ऊपर जाकर और जब वो ग्राउंड को टच करेगी वहां पर न्यू रूट्स और न्यू स्टेम आ जाएगी इसको बोलते हैं स्टोलोन कंडीशन अब देखो जरा अ अलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस

स्ट्रॉबेरीज जैसा सेम मॉडिफिकेशन है मिंट में नहीं स्ट्रॉबेरीज में आपके पास रनर मॉडिफिकेशन होता है ग्रास जैसा क्या आप इस मॉडिफिकेशन को सकर कहते हो नहीं हम इस मॉडिफिकेशन को स्टोलोन कहते हैं आंसर आंसर बी बी होगा होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन थैंक यू ऋषि आगे देखो मैच का फॉलोविंग करना है आपको स्ट्रॉबेरी अभी आपने देखा इनके अंदर रनर मिल रहा है जैस्मिन और मिंट में आपको पता है स्टोलोन मिलता है पाइन एपल और बनाना में आपको सकर मिलता है और पिस्चिया और आइकोर्निया में आपको ऑफसेट मिलता है याद रखने बेटा ये एग्जांपल्स स्टेम की मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ट्वेल्थ के चैप्टर में भी आ रहे हैं ठीक है ठेके? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास सी डी बी ए यानी कि ए ए, बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर चूज़ वन विद रिस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन अच्छा आपको पता है क्रिजेंथिम बनाना पाइनएपल इन सब में सकर मिलता है इन सब में सकर मॉडिफिकेशन मिलता है तो ओड वन आउट स्ट्रॉबेरी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉबेरी में हमें रनर मॉडिफिकेशन मिलता है ये एग्जाम्पल्स याद रखो बेटा जिनको नहीं याद हो अभी यहाँ पर इसको याद कर लो बट इसको याद रखो ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री किसकी बात हो रही है पाइनएपल की बात हो रही है अभी आपने देखा पाइनेपल में सकर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ठीक है सकर मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से बेटा कि अगर यहां पर आपके पास स्टेम और रूट्स हैं तो कोई एक स्टेम नीचे ग्रो करेगी डाउनवर्ड ग्रो करेगी अंडरग्राउंड ग्रो करेगी और फिर वो ऊपर की तरफ आर्च करेगी वहां पर नया root और नया और और आपके पास आ जाएगा इसको आप सकर बोलते हो ठीक है है में आपको है, आपको याद रखना मॉडिफिकेशन ही देखने को मिलता है तो लेटरलिजिनेट फ्रॉम बेजल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन स्टेम ग्रो होरिजोन the soil एंड देन आउट out लिगली गिविंग rise टू द लीफी शूट ये स्टेटमेंट ही सकर का होता है यही स्टेटमेंट सकर का होता है है ना? अगर हम मैं बोलूं कि पहले वो एरियली ग्रो कर, कर फिर डाउनवर्ड जा रही है तो ये आपके पास स्टोलोन होता है ठीक है शॉर्ट इंटर नोड एंड ईच ऑफसेट है ये ऑफसेट है और आंसर सकर है तो आंसर ए जाएगा आंसर कर आंसर ही जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर ऑक्सैलिस ग्रास की बात हो रही है रनर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है तो जो स्टेम में मॉडिफिकेशन है वो रनर है रनर किस में मदद कर रहा है ऑक्जालिस को स्टोरेज में सपोर्ट में प्रोटेक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इससे वो ग्रो कर पा रहा है ओवर सेवरल एरिया है ना कुछ स्टोर नहीं कर रहा कुछ सपोर्ट नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोेशन में हेल्प कर रहा है किस में हेल्प कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प कर रहा है आगे देखो फोर्टी फाइव शॉर्ट इंटर नॉट एंड ईच नॉट बियरिंग ऑफ लीव एंड ट्रूट अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इस मॉडिफिकेशन को आप ऑफसेट बोलते हो ये आपको पिस्टिया में भी देखने को मिलती है आइकोर्निया में भी देखने को मिलती है आंसर होगा डी ये एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलती है और ये पानी में रनर की तरह बिहेव करती है ठीक है आंसर होगा डी आंसर होगा डी बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स करेक्ट आपको पर बताना है लीव डेवलप एट दी नोड एंड बीयर अ बर्ड इन एक्साइल सही बात है लीव ऑरिजिनेट फ्रॉम एस सी एम एस सी एम क्या बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से आती है लीव्स और एक्रोपिटल एक्रोंगीव ऊपर होती है ओल्ड लीव नीचे होती है टूवर्ड्स द बेस होती है ये भी लाइन एनसीआरटी में है लीव लेटरल जर्नली जनरली होना चाहिए फ्लैट एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है ये बात भी करेक्ट है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर आंसर डी डी होगा होगा बिल्कुल गशिश. बिल्कुल कशिश बच्चों अंकिता answer D होगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 किसकी बात हो रही है स्टिप्यूल्स की क्योंकि अब हम लीव्स पे हैं तो लीव्स में अगर आप देखेंगे तो लीव पेस के पास दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये वन -like या फोर नहीं है मैनी नहीं है दो होते हैं अगर stipule present है तो उस प्लांट उस को आप हो नहीं है तो stipulated बोलते हो अनु एनिमल किंगडम मिल जाएगा बेटा आज मिल जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट लीफ बेस एक्सपेंडेड इन टू शीत क्रोजिंग द स्टेम पार्शली और लीफ बेस क्या है जिस जहां पर वो point attached है स्टेम से उसको आप लीफ बेस बोल दो कभी कभी वो इतना एक्सपैंड हो जाता है कि वो पूरा का पूरा स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लेता है एनसीआरटी क्या बताती है ऐसी कंडीशन आपको मोनोकोट्स में देखने को मिलती है बिल्कुल बेटा में देखने को मिलती है बहुत बढ़िया फिर देखो किसकी बात की है पल्विनस की कुछ प्लांट्स में लीफ बेस एकदम स्वॉलन हो जाता है तब आप उसको क्या बोलते हो पल्विनस बोलते हो क्या होता है लीफ बेस एकदम स्वॉलन हो जाता है जैसा लेग्यूम्स में आपको देखने को मिलता है पिटियोल स्वेल नहीं करता लेमिन स्वेल नहीं करता स्टिप्यूल स्वेल नहीं करता लीफ बेस स्वेल करता है आंसर ए होगा आंसर ए होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में यहां पर ये आपके पास है लेमिना या लीफ प्लेट ये आपके पास है लेमिना या लीफ प्लेट ठीक है इस स्टॉक को आप पिटियोल कहते हैं ठीक है जिस पॉइंट पर ये अटैच्ड है जिस पॉइंट पर ये अटैच्ड है ये अटैच्ड है यहां पर ये देखो यहां से छोटी सी लीफ आ रही है, है ना तो ये आपके पास एक्सिलरी बड है ये आपके पास एक्सिलरी बर्ड है है ना और जहां से ये आ रहा है जहां से जिस पॉइंट पर अटैच लीफ से वो लीव का बेस है वो लीफ का बेस है और ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये स्टिप्यूल है ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये स्टिप्यूल है आंसर कर दो आंसर क्या होगा आंसर क्या, क्या होगा ए बिल्कुल 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 आंसर ही होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहे क्वेश्चन अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीन लेट इन लेमिना आप एक लेमिना की बात करें उसके अंदर किस तरीके से वीन vein और वीन लेट्स अरेज है उसे ही आप क्या कहते हैं आंसर होगा ए उसे ही हम क्या कहते हैं वेनेशियन आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू लीव ऑफ डाइकोटिन प्लांट जनरली कैरेक्टराइज बाय डाइकोट की अगर मैं बात करूं तो डाइकोट में पैरल वेनेशन मिलता है नहीं वीन्स एक दूसरे के पैरल होती है नहीं डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है मोनोकोट्स में पैरल वेनेशन मिलता है डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है बोथ एंड बी बोथ ए एंड बी कहा देख रहे हैं आप कहा देख रहे हैं आप? बोथ एंड बी सी होगा बेटा अच्छा पुराने क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्या

क्योंकि टूट गया अलीफ्लेट में अब यह कंपाउंड बन चुका है कंपाउंड पेनेट भी हो सकता है कंपाउंड पामेट भी हो सकता है अब ये ये सिंपल हो जाएगा देखो मुझे पता था आंसर आंसर आएगा कशिश बट तुरंत ए नहीं करना है सारे ऑप्शन रीड करो नोट पूछा है आपसे क्या नहीं है वो सिंपल नहीं है आंसर बी होगा आंसर बी होगा अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था घुमाने वाला क्वेश्चन था ये आपका चिंटू क्वेश्चन था बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स अच्छा ए बी कर कर छुप रहे हैं बच्चे वेरी नाइस आंसर अगला देखो क्वेश्चन नंबर

इसके अंदर ये मिड रिप देख रहे हो सब एक कॉमन एक्सिस से अटैच है इसे रैकिस कहते हैं जबकि पामेटली कंपाउंड में एक कॉमन पॉइंट टिप ऑफ पिटियल पे कॉमन पॉइंट है उससे सब अटैच होती है वो पामेटली कंपाउंड होती है ठीक है तो आंसर बी होगा इसको रैकिस बोलते हैं ठीक है चीके? आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट पिनेटली कंपाउंड लीव सारी की सारी कहाँ से अराइज हो रही है वो कॉमन पॉइंट से आती है जैसे टिप ऑफ पिटियोल नहीं ये पामेट में होता है वो एक कॉमन एक्सिस से आती है जिसे आप रैकिस कहते हो तो आंसर क्या होगा बी आंसर क्या होगा बी टिप ऑफ रैकेट से नहीं आ रही है आंसर क्या होगा बी आगे देखो 55 में क्या दिक्कत अनन्या 55 में क्या दिक्कत बेटा आपसे नोट पूछा है बेटा अगर इंसीशन हुआ लेमिना का मिड्रिप में और लीफलेट बन गई मतलब वो कंपाउंड बन चुका है आपसे पूछ रहे इनमें से वो क्या नहीं है इट्स नॉट क्या नहीं है सिंपल नहीं है बाकी तो सब है बाकी तो सब है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ऑफ 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 कॉमन पॉइंट टिप टिप हमें क्या मिलेगा पामेटली कंपाउंड लीफ क्या मिलेगा क्या मिलेगा पामेटली कंपाउंड लीफ पामेटली कंपाउंड लीफ आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या कह रहे हैं फाइलोटैक्सी अब आप फाइलोटैक्सी पर आ गए फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम स्टेम पे लीव किस तरीके से अरेन्ज है उसको आप समझते हो फाइलोटैक्सी में उसको हम समझते हैं फाइलोटैक्सी में आगे देखें क्वेश्चन नंबर अलग अलग तरीके की फाइलोटैक्सी दे रखी है आपको इसमें आप देखोगे तो एक नोट से एक ही लीफ है फिर दूसरे नोट से दूसरी लीफ है एक नोट पे एक ही लीफ है इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो ऑल्टरनेट अगर एक नोट से अपोजिटली दो लीव्स आए तो इसको आप क्या बोलते हो अपोजिट और एक नोड से बहुत सारी लीफ का वर्ल्ड आए तो इसको आप बोलते हो वर्ल्ड इसको आप बोलते हो वर्ल्ड तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल्टरनेट अपोजिट और वर्ल्ड आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ बेटा ऑल्टरनेट टाइप अभी आपने देखा एक नोट से एक ही लीफ आती है तो उसको ऑल्टरनेट बोलते हैं अपोजिट में एक नोट से पूरा पेयर आता है अपोजिट साइड्स में बिल्कुल सही बात है वर्ल्ड में एक नोट से मोर देन टू लीव्स पूरा बहुत सारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है तो इसको आप क्या बोलते हो डी इसको आप क्या बोलते हो डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री सनफ्लावर हैज सनफ्लावर में कौन सी फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है सनफ्लावर में आपको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है सनफ्लावर में आपको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है बेटा ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का ट्रिक है याद करने का एमएससी एमएससी से इसको याद कर सकते हो ये आपको मस्टर्ड में मिलेगा सनफ्लावर तो आपने देख ही लिया उसके सिवा चाइना रोज में आपको मिल जाएगा तो एमएससी से आप इसको याद कर सकते हो ठीक है अपोजिट फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है कैलट्रॉपिस और गवाबा में कैलेट्रोपिस और गवाबा में याद कर लो रिवाइज कर लो सारे एग्जाम्पल्स ठीक है और वर्ल्ड वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल आपको एनसीआरटी में दे रखा है एलस्टोनिया एलस्टोनिया ऑल्टरनेट को कैसे याद करोगे एमएससी से मस्टर्ड चाइना रोज और सनफ्लावर

फ्लोरल में कन्वर्ट हो जाता है जी हाँ और फिर वो फूल बनाने लगता है फ्लावर बनाने लगता है फ्लावर में इंटरनोड एलोंगेट होना कम कर देते हैं उतना एलोंगेट नहीं करते एक्सिस कंडेंस हो जाती है फ्लार के अंदर ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा आंसर हो जाएगा डी क्योंकि कुछ नया नहीं हो रहा है ना फ्लार के लिए वही जो आपके पास स्टेम थी वो मॉडिफाई कर रही है वो शूट मॉडिफाई कर रही है फ्लार बनाने के लिए तो जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बेटा लेमिना लीफ ही तो हुआ ना बच्चे आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द अरेजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस अभी आपने देखा अरेजमेंट ऑफ लीज ऑन स्टेम उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी अरेजमेंट ऑफ फ्लाजेस इसको बोलते हैं इन फ्लोरसेंस जो आप दो तरीके के पढ़ते हो रेसिमोस एंड साइमोस आप दो तरीके के पढ़ते हो रेसिमोस एंड साइमोस बिल्कुल आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ऑन द बेसिस वेदर फ्लोरल एपेक्स गेट्स डेवलप इन टू फ्लॉर और कंटिन्यूज टू ग्रो Okay, nice. On the basis whether floral apex gets developed into flower or continues to grow.

नहीं करती है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ये जो डायग्राम आपको दे रखे इसके अंदर मेन फ्लोरल एक्सेस टर्मिनेट कर रही है एक फ्लार के अंदर इसको साइमोज इनफ्लोरसेंस बोलते हैं इसको साइमोज इन्फ्लोरसेंस बोलते हैं इन है. ये रेसिमोस है नहीं इसमें फ्लावर आपको बेसी पिटल ऑर्डर में मिलेंगे क्यों क्योंकि अब टर्मिनेट कर गया ना यहाँ पे बाकी इसके नीचे ही ग्रो करेंगे तो यंग अब नीचे आएंगे तो बेसिकिटल ऑर्डर है एक्रो पिटल नहीं है केजिया का ये एग्जाम्पल नहीं है केजिया के अंदर केजिया फैमिली में आएगा बेटा रेसिमोस उसमें साइमोज नहीं है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी किसका डायग्राम दे रखे रेसिमोज का ये साइमोज नहीं है केजिया में साइमोज मिलता नहीं है आंसर ए हो जाएगा

फ्लार की स्टॉक को आप पेडिसल कहते हो आगे देखें आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स किसकी बात हो रही है थैलमस की थैलमस क्या नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा स्वलन एंड ऑफ पेडिसल जो पेडिसल है फ्लार का वो आगे जाकर स्वॉल एंड बनाता है उसे आप थैलमस कहते हो इस पे अलग अलग वर्ल्स अरेंज होते हैं थैलमस एक्सेसरी वर्ल्ड है नहीं एक्सेसरी वर्ल्ड क्या होते हैं बेटा एक्सेसरी वर्ल्स आपके पास कैलिक्स और करोला है थैलमस नहीं है फॉर डिफरेंट वर्ल्स ये बात भी सही है क्योंकि है है और thalamus पे सारे हैं तो क्या नहीं है, ये एक्सेसरी वर्ल्ड नहीं है कौन होते हैं आपके और होते हैं ठीक है आंसर क्या होगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसे यहां पर बताना है तो कैलिक्स और करोला आपके पास एक्सेसरी ऑर्गन है एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब आप कैलिक्स और करोला को डिफरेंशियट नहीं कर पा जाएगा।, जाएगा कशिश डी होगा सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है दो एक्सेसरी वर्ल्स है दो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है और प्रेजेंट है ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट पेरियंथ के अंदर क्या आ रहा है आपके पास कैलिक्स और करोला इंडिस्टिंग है आप डिफरेंशियट नहीं कर पा रहे इसी को पेरियंथ कहते हैं इसी को पेरियंथ कहते हैं करोला और एंड्रोशियम के फ्यूजन को क्या बोलते हो एपीपेटल एपीपेटल इस कंडीशन को एपी बोलते हैं बेटा पेरियंथ नहीं बोलते और पेरियंथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं है आंसर ए होगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन बाई सेक्शुअल फ्लॉर्स बाई सेक्शुअल फ्लार वो फ्लावर होगा जिसमें एंड्रोशियम भी होगा जिसमें गाइनोशियम भी होगा सही बात है सोलन एसी भी बाई सेक्शुअल है लिली एसी भी बाई सेक्शुअल है बिल्कुल

एनसीआरटी के डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल पे हम लोग जाएंगे तो मस्टर्ड हो गया आपके पास दतूरा हो गया चिली हो गया ये सब आपने एक्टिनोमोर्फिक में पढ़ा है ये सब आपने एक्टिनोमोर्फिक में पढ़ा है पी की अगर मैं बात करूं बीन की अगर मैं बात करूं गुलमोहर की बात करें कैजिया की बात करें ये सब जाइगोमोरफिक है ये सब जाइगोमोरफिक है और जो कहना है कन्ना है इसको ए बताया है इसमें सिमेट्री नहीं है इसको ए सीमेट्रिकल एग्जाम्पल में एनसीआरटी ने बताया है तो देखो जरा आंसर क्या होगा कितने चिली तीन है और कितने पी बीन गुलमोहर की चार है तो आंसर ये होगा बिल्कुल बेंजीन क्या बढ़िया बढ़िया नाम होते हैं यार तुम लोगों के आंसर आंसर ए होगा ठीक है आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर एटी वन वेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन

में नहीं मिलता इनको कट कर दो कैशिया में रेजिमो मिलता है और ये जाइगोमोर्फिक होते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। नगमा चिंटू अब्दुल बिल्कुल आगे देखो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री ऐसा फ्लार जिसमें लीफ है दैट फाउंड द बेस ऑफ फाउंड द बेस ऑफ पेडिसल फ्लार

हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस मतलब बाकी सारे वर्स बिलो ओवरी हैं यानी ओवरी कैसी है सुपीरियर ओवरी कैसी है सुपीरियर इनमें से आप अगर एक फ्लार हाइपोगाइनस है तो कौन सा फ्लोरल पार्ट हाईएस्ट पोजीशन लेगा सबसे सुपीरियर कौन होगी ओवरी तो सबसे हाईर पार्ट कौन लेगा पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गेन की बात हो रही है आंसर डी होगा आंसर डी होगा बिल्कुल कार्तिक आंसर डी होगा बेटा क्योंकि ओवरी सबसे सुपीरियर है ना तो सबसे ऊपर जब ओवरी है तो सबसे हाईएस्ट देखो क्वेश्चन जरा यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पर आपको फिर से अलग अलग तरीके की ओवरी पोजिशन है बेटा यहाँ पर देखो ओवरी सबसे सुपीरियर है बाकी सब उसके नीचे है, है ना तो ये आपके पास है ये आपके पास है हाइपोगाइनस कंडीशन आपको किस किस में देखने को मिलती है मस्टर्ड में देखने को मिलती है बिल्कुल सही बात है चाइना रोज में देखने को मिलती है ब्रिंजल में देखने को मिलती है इन सब में आपको हाइपोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है यहां पर ये यह थैलमस की रिम से जो आ रहे हैं ये आपके पास दोनों दोनों पेरीगाइनस कंडीशन है हाफ इंफीरियर ओवरी है पेरीगाइनस कंडीशन आपको देखने को मिलती है रोज में प्लम में या पीच में याद रखना ये एग्जाम्पल्स रोज में प्लम में या पीच में तो पीच वाला तो करेक्ट है मस्टर्ड वाला करेक्ट है ये ब्रिंजल वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और ये लास्ट देखो ये लास्ट वाला एपी है एपी है एपी का मतलब ओवरी इंफीरियर है और इनफीरियर ओवरी आपको देखने को मिलती है क्योंकि में बिल्कुल सही बात है उसके सिवा आपको ये गवावा में भी देखने को मिलती है उसके सिवाये आपको सनफ्लावर में भी देखने को मिलती है ठीक है तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट आपके पास या मिसमैच पेयर आपके पास बी हो जाएगा

सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आपके पास और आपके पास एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे रोज प्लम पीच बेटा मैं बार बार एग्जाम्पल्स क्यों लिख रही हूँ क्योंकि आप जितनी बार एग्जाम्पल्स लिखोगे उतनी बार दिमाग में फिट होगा है ना तो बार बार जब भी सेम क्वेश्चन मिल रहा अच्छा, है रिवाइज करते रहो अच्छा ठीक है इन हाफ इन्फीरियर है तो रोज प्लम पीच है प्रॉपर इन्फेरियर की बात करें गवावा और सनफ्लावर था और अगर मैं सुपीरियर ओवरी की बात करूँ मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल था जितनी बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा है ना आगे देखो क्वेश्चन नंबर एटी नाइन अब इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहे फिर से आपको एग्जाम्पल बताने पेरीगैनस हाइपोगास एपिगस के एक और मौका मिल गया हमको रिवाइज करने का एग्जाम्पल तो देखो ऐसा करते हैं पेरी गाइनस हम रेड से ले लेते हैं हाइपो गाइनस हम पर्पल से ले लेते हैं और एपी गाइनस हम लोग येलो uh, से ले लेते हैं ठीक है पेरी गाइनस मुझे बता दो रोज प्लम और पीच ठीक है तो आपके पास प्लम भी आ गया आपके पास पीच भी आ गया आपके पास रोज़ भी आ गया आ गए आपके पास अच्छा उसके बाद आपने हाइपोगाइनस में अभी मेरे साथ कौन कौन सा एग्जाम्पल देखा गवावा देखा था हमने क्यूकुम्बर देखा था हमने सनफ्लावर देखा था हमने रीफ्लोरेड सनफ्लावर्स देखे थे हमने है ना उसके सिवा मुझे बता दो एपीगाइनस के अंदर हमने क्या देखा था एपीगाइनस के अंदर सॉरी ये हमने एपी के अंदर देखे थे ना अरे 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 ये हमने एपी के अंदर देखे थे एपी के अंदर देखे थे ठीक है और हमने हाइपोगाइनस के अंदर क्या देखे थे यानी कि सुपीरियर ओवरी के अंदर हमने क्या देखे थे मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल अब बच रहा है पी और एस्पेरेगस अब बच रहा है पी और एस्पेरेगस तो पी और, तो और, तो और एस्पेरेगस तो एक आपके पास फेबिसी फैमिली हो गया एक लिलियसी फैमिली हो गया दोनों में हाइपोगाइनस ही कंडीशन है दोनों में हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है तो मैं इसको भी सुपीरियर ओवरी में ही डाल रही हूँ अब आंसर बताओ क्या होगा अब आंसर बताओ क्या होगा पी और भी तो है ना बेटा पी फेबेसी दोनों में सुपीरियर ओवरी है दोनों क्योंकि पी और एस्टारेगस भी वैसे वहां पर एग्जाम्पल्स में नहीं दिया हुआ बट हमने फैमिलीज में पढ़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी अब यहां पर जरा देखो अच्छे से सारे के सारे वर्ड्स

आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं सबसे बाहर वाला वर्ल क्या होता है जिसमें सेपल्स होते हैं उसे हम कैलिक्स कहते हैं सबसे आउटर मोस्ट वर्ल कौन सा होता है कैलिक्स होता है आगे देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सेपल्स किसके मेंबर है कैलिक्स के बिल्कुल सही बात है पेटल्स मेंबर्स हैं कैलिक्स के नहीं पेटल्स करोला के मेंबर होते हैं सेपल्स जो है, plural of corolla, ये भी नहीं है वो petals plural होते हैं corolla के तो आपके आपके पास क्या हो जाएगा? A. Answer correct आपके पास क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा आगे देखो क्वेश्चन और सेपल्स फ्री ये वर्ड आपने पढ़ा है एनसीआरटी में अच्छे से अगर सारे यूनाइटेड हैं तो इसे आप क्या बोलते हो गेमोसेपलस और अगर ये फ्री है तो आप क्या बोलते हो पोलीसेप्लस है ना अगर ये यूनाइटेड है तो गेमोसेप्लस फ्री है तो पोलीसेप्लस आंसर क्या हो जाएगा ए

और इसका मतलब फ्री होता है तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी अब अलग अलग वर्ड्स आपको बता रखे हैं जो आपको मैच करने हैं यहाँ पर ए मुझे बताओ क्या है ये एंड्रोशियम है बेटा ये एंड्रोशियम है क्योंकि यहां आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिल रहा है ये टू देखो जरा ये आपके पास क्या है ये गाइनोशियम है बच्चे ये गाइनोशियम है क्योंकि यहां आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी देखने को मिल रही है, है? यहाँ आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी देखने को मिल रही है ये थर्ड आपके पास क्या है ये बड़े बड़े कलरफुल ये पेटल्स हैं तो ये कोरोला बनाएंगे है ना और ये ग्रीन कलर के उसके नीचे कैलिक्स हैं सेपल है जो स्टॉक से ये अटैच्ड है उसे आप पेडिसिल कहते हैं उसे आप पेडिसिल कहते हैं क्या आंसर होगा बेटा क्या आंसर होगा आंसर होगा डी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे आंसर होगा डी वेरी नाइस बहुत बढ़िया आंसर होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड एक वर्ल्ड के अंदर जो पेटल्स है वो अपने बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है इसी को आप क्या बोलते हो एस्टिवेशन अब हम नए टॉपिक पर आ गए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं एस्टिवेशन एस्टिवेशन आप चार तरीके की पढ़ते हो वेलवेट इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड और वैक्सिलरी इसमें से ये आपको कौन सी एस्टिवेशन दिखाई हुई है जहां पर हर मेंबर वर्ल्ड का एक दूसरे की मार्जिन टच कर रहा है बट ओवरलैप नहीं कर रहा इसको आप बोलते हो वेलवेट

आंसर हो जाएगा ए ए ए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन जीरो कील की बात कौन सी एस्टिवेशन में देखने को मिलता है, कील आपको देखने को मिलता है में। तो लिखा नहीं लेकिन लिखा है और हमें पता है एसी फैमिली में आपको वेगिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है इनके कोरोला में आपको वेगिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है ये बढ़िया था आंसर क्या हो जाएगा सी क्योंकि इन्होंने वेगजिलरी लिखा नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है आगे देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पी, यानी एसी की बात हो रही है आपको ओल्ड वन बताने स्टैंडर्ड इसमें लार्जेस्ट पेटल होता है जी स्टैंडर्ड हाँ. ओवरलैप करता है दो लेटरल कील को नहीं दो लेटरल पेटल्स को कील को नहीं कील इंटीरियर साइड पे लोअर साइड पे है कील सबसे छोटी और इंटीरियर साइड के पेटल्स हैं जी और वो फ्यूजन से बन रहे हैं दोनों पेटल्स के जी तो आंसर जो ओड वन आउट हो जाएगा ये बेटा क्योंकि स्टैंडर्ड कील को ओवरलैप नहीं करता वो आपके लेटरल दो पेटल्स को ओवरलैप करता है फिर वो पेटल्स आगे की तरफ इंटीरियर कील को ओवरलैप करती है है ना इस तरीके से अगर ये आपके पास स्टैंडर्ड है तो इस तरीके से लेटरल है इनको ओवरलैप नहीं करता और ये आगे की तरफ यहाँ पर कील प्रेजेंट है ठीक है आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री गुलमोहर में कौन सा एस्टिवेशन है तो कैजिया में गुलमोहर में इन सब में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है इनमें इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है आंसर होगा सी गुलमोहर और कैजिया में ठीक है आगे देखिए बेटा आप वही डायरेक्ट एग्जाम्पल वाली बात है जो आपको याद करनी पड़ेगी और जितनी बार याद करेंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे दिमाग में याद ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर ओड वन बताना है एस्टिवेशन के लिए बच्चे चाइना रोज लेडी फिंगर कॉटन इन सब में जो एस्टिवेशन मिल रहा है दैट इज ट्विस्टेड और कैजिया और गुलमोहर में जो एस्टिवेशन मिलता है that is, that is imbricate. Imbricate, है ना कोई पैटर्न में ओवरलैप नहीं है आंसर बी होगा आंसर बी होगा बाकी तीनों में ट्विस्टेड मिल रहा है बाकी तीनों में ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है और इसमें इम्ब्रिकेट मिलता है आंसर बी होगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव एंड्रोशियम एंड्रोशियम यानी मेल

स्टेमन अगर एक बंडल में हो तो उन्हें आप मोनो एडल्फस कहते हो जी हां मोनो एडल्फस कंडीशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलती है दो बंडल यानी डाई एडल्फस डाई एडल्फस आपको पी में देखने को मिलता है मेनी बंडल्स तो पॉली एडल्फस पॉली एडल्फस आपको सिट्रस में देखने को मिलता है बिल्कुल सही बात है फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन एक ही फ्लावर में एक फ्लावर की फिलामेंट की लेंथ की वेरिएशन आपको सैल्वी और मस्टर्ड में देखने को मिलती है सही बात है स्टेमन के दो बंडल हो तो डायएडेलफस कहते हैं और अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उसे पॉलीएडेलफस कहते हैं ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर डी होगा बिल्कुल रिया, होगा चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंस... आगे देखो क्वेश्चन नंबर पोलन ग्रीन रिसेप्टिव सर्फेस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रीन जाता है सैक से और कहा बैठता है स्टिग्मा पर जाकर बैठता है रिसेप्टिकल रिसेप्टिव किसका है स्टिग्मा का है वहीं पर ट्यूब जर्मिनेट होती है और फिर गैमेट जाते हैं तक ठीक है क्या होगा आंसर ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड इलेवन प्लेसेंटा किससे अटैच है प्लेसेंटा किस किस को अटैच करती है ओव्यूल को ओवरी से अटैच करती है बेटा अब आप प्लेसेंटेशन की तरफ जाओगे प्लेसेंटा क्या करती है ओव्यूल को ओवरी से अटैच करने का काम करती है आंसर होगा ए बिल्कुल आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व किसकी बात हो रही है एपोकार्पस देखो आपने पहले भी वर्ड देखे एपोकार्पस सिंह कार्पस है ना तो सिन मतलब फ्यूज एपो मतलब फ्री है ठीक है और आप किसकी बात कर रहे हो कार्पस की बात कर रहे हो यहाँ पर ठीक है तो जो एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलती है इसमें फ्री कार्पल होते हैं फ्यूज ये नहीं होते और फ्री वाले कार्पल आपको रोज में भी देखने को मिलेगा आपको लोटस में भी देखने को मिलेगा वही टमेटो में और मस्टर्ड में टमेटो में और मस्टर्ड में आपको सिन कार्पस कंडीशन कंडीशन देखने को मिलती है एपो नहीं एपो आपको रोज और लोटस में देखने को मिलती है है ठीक तो कौन कौन सा करेक्ट है 1, 3, 4, करेक्ट है आंसर ए हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा बहुत बढ़िया आगे देखो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड थर्टीन फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या डेवलप करती है और ओव्यूल किसमें मेच्योर होता है ओवरी डेवलप कर कर फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाता है आंसर सी होगा आंसर सी होगा सोर so, जशीश होगा बेटा एनिमल किंगडम आज मिल जाएगा आपको चिंता मत करो आगे देखो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड फोर्टीन प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा ओवरी को ओव्यूल से अटैच करती है प्लेसेंटेशन किसकी अरेंजमेंट बताता है किसके अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज्ड है ओवरी के अंदर हमको ये बात बताता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज है ये हमको बताता है आंसर सी होगा आंसर सी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव अब आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है मल्टीलोक्यूलर सेप्टा है सेंटर से आपके ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं कौन सी प्रेजेंटेशन है ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है कौन सी प्रेसेंटेशन है ये एक्साइल प्रेसेंटेशन है क्या ये आपको आरजीमोन में देखने को मिलती है आरजीमोन में तो बेटा फोल सेप्टा होता है आरजी मोन में ओवरी में फोल सेप्टा होता है जिसकी वजह से वो आपको दो चेंबर दिख रही होती है मस्टर्ड और आरजीमोन तो ये नहीं है प्लेसेंटा एक्सियल है ओव्यूल्स उससे अटैच्ड है यूनिलोक्यूलर ओवरी तीन तो आपको दिख रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ये प्लेसेंटेशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलती है बिल्कुल बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलती है आपको टमेटो में देखने को मिलती है आपको लेमन में देखने को मिलती है इन सब में आपको एग्जाइट प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है फिर क्या बोल रहे हैं हमको प्लेसेंटेशन एक्सियल है

एग्जाइल है ठीक है तो आंसर हमको मिल गया वैसे सी आगे देखो क्वेश्चन से करना है आपर, तो प्लेसेंटेशन जहां एनसीआर के बारे में बता रही है उसी के बाद आपको फोल सेप्टा आर्जीमोन और मस्टर्ड बताया है तो इसको आर्जीमोन से आप मैच कर देंगे प्लेसेंटेशन मैंने आपको अभी बताया टमेटो में लेमन में चाइना रोज में है ना तो ये आपके पास लेमन आ जाएगा मार्जिनल प्रेजेंटेशन का बहुत फेमस एग्जाम्पल पी है आपके पास फ्री सेंट्रल आपको डायंथस और प्रिमरोज में देखने को मिलता है और बेजल आपको सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है दो एग्जाम्पल दे रखे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड आप देख लो बेटा मैच कर लो इसको जरा सी बी डी क्या हो जाएगा आंसर आपके पास सी बी ए हो जाएगा हो जाएगा बिल्कुल अभी आगे देखो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवनटीन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है उसमें ट्रू सेप्टम है नहीं सेप्टम है ठीक है एक्साइल प्लेजेंटेशन मल्टीलोक्युलर ओवरी में आपको मिलेगी जैसे टमेटो जैसे लेमन जैसे चाइना रोज ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो आंसर डी हो जाएगा ए भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है आंसर डी हो जाएगा ठीक है आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 118 डाइएंथस अब डाइएंथस और प्रिमरोज कौन सा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है फ्री सेंट्रल तो इसमें मुझे बताओ फ्री सेंट्रल क्या है ये एक्साइल है ये पेराइटल है जहां पे जस्ट पेरिफेरल ओवरी की बॉल के नीचे पेरिफेरल प्रेजेंट है ओव्यूल ये बेसल है और ये फ्री सेंट्रल है और डाइएंथस आपको फ्री सेंट्रल कंडीशन में मिलेगा आंसर होगा सी आंसर होगा सी ठीक है होगा आगे देखो, 119, marigold. Marigold और दोनों में बेसल प्रेजेंटेशन मिलती, मिलती है तो इसमें सेम प्रेजेंटेशन है जी हाँ प्लेसेंटा एकदम ओवरी का बेस पर आता है और उससे एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है उसे ही बेसल कहते हैं सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर डी हो जाएगा सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 120 अब आप किसकी बात कर रहे हो फ्रूट की फ्रूट में सबसे पहले कौन सा फ्रूट आ रहा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है नहीं आफ्टर तो बिल्कुल भी, भी नहीं बनता विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसको आप क्या बोलते हो पार्थिनोकार्पिक आंसर होगा बी आंसर होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन पेरिकार्ड पेरिकार्ड किस किस में डिफ्रेंशिएटेड है एपीकार्ड नीजोकार एंडोकार जो बाहर थिन है एपिकार्प है वो छिलका है मिडिल फ्लैशी एडिबल एडिबल मीजो कार्प है और अंदर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है ऐसा मैंगो में होता है बिल्कुल हमने ऐसा मैंगो में पढ़ा है सेम यही चीज हमने मैंगो में पढ़ी है बाहर फ्लैशी एपिकार्प है मिडिल स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है पहली बात मिडिल मीजो कार्प है इसलिए ये गलत हो गया आउटर थिन एपिकार्प है मिडिल स्टोनी नहीं है मिडिल फ्लैशी है मैंगो में तो आंसर ए हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा बेटा मैंगो का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जो बाहर छिलका है उसका थिन वो एपिकार्प है जो पार्ट आप खाते हो पल्पी पार्ट फ्लैशी पार्ट वो मीजो कार्प है जो अंदर उसकी गुटली होती है स्टोनी पार्ट वो एंडोकार्प होता है मैंगो में ए हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर सीड ऑफ ऑफ वीड इज मेड अप यानी मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट डाइकोट सीड्स आ गए पे मोनोकोटाइकोड पे मोनोकोट का सीड में आपको क्या बताए एक रेडिकल मिलेगा कॉटलीडन वन कॉटलीडन होगा दो कॉटलीडन नहीं हो सकते ये गलत हो जाएगा वन एंड एक्सेस मिलेगा सही बात है एम्ब्रियो ओनली वन कॉन्ट्लीडन ओनली नहीं आंसर ए हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल बेटा आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री आपको ओड वन बताना है एंडोस्पर्म के बेसिस में ये सारे एग्जाम्पल डाइकोट सीड में आपको दे रखे हैं जिसमें आपको बताया है कि पी ग्राम बीन इन सब में एंडोस्पर्म नहीं रहता मेच्योर सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं रहता डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज कर जाता है लेकिन कैस्टर के पास एंडोस्पर्म रहता है तो ओड वन क्या हो जाएगा कैस्टर क्योंकि एंडोस्पर्मिक सीड है इसके पास एंडोस्पर्म रहता है आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है डाइकोड सीड के बारे में एक एक स्टेटमेंट को ढंग से रीड करेंगे को बोलते टेस्टा अंदर वाली लेयर नहीं है बेटा टेस्टा आउटर लेयर है टेगमेन अंदर की तरफ होती है ठीक है सीड वर अटैच टू फ्रूट बाय हाइलम सही बात है जहां से सीड फ्रूट से अटैच्ड है स्कार बनता है वहां पर हाइलम से वो अटैच्ड है माइक्रोपाइल इज स्मॉल पोर बिलो हाइलम ये गलत है बेटा माइक्रोपाइल इज स्मॉल पोर पोर अब हाइलम बिलो हाइलम इट्स और कैस्टर मेंस्टर में एंडोसफॉर्म रहता है, बिल्कुल कैस्टर में रहता है. तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है दो स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर बी होगा बढ़िया क्वेश्चन था बहुत छोटी छोटी मिस्टेक थी जो आपकी नजरों से निकल सकती थी तो अच्छा वाला क्वेश्चन था यह हमारे पास दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव गलत मोनोकोट सीड्स ज्यादातर तो एंडोस्पर्मिक होते हैं ज्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं उसमें से ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है ऑर्किड डाइकोड है नहीं मोनोकोट का सीड है मेज में सीड कोट फ्यूज कर जाता है फ्रूट वोल से ये बात सही है और ऑर्किड में एंडोस्पर्म है नहीं ऑर्किड में एंडोस्पर्म नहीं है नहीं है तो कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है तीन स्टेटमेंट रॉन्ग है एक ही करेक्ट है बस एक ही करेक्ट है बेटा तीन स्टेटमेंट यहां पर रोंग है वन ट्वेंटी फाइव वन जो आंसर करे हो बेटा करेक्ट नहीं रॉन्ग पूछा है इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है कशिश हमसे रॉन्ग पूछा है करेक्ट नहीं पूछा है तीन रॉन्ग है एक करेक्ट आंसर सी होगा ऐसी गलती मत करो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स लेबलिंग करनी है मोनोकोट का सीड आपको दिखा रखा है तो ये आपके पास एम्ब्रियो एक्सिस होता है और ये आपके पास कॉटलेडन है इस कॉटलेडन को आप क्या बोलते हो स्क्यूटलम क्या बोलते हो स्क्यूटलम यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ ये आपका प्लेम्यूल है और इस तरफ ये आपका रेडिकल है रेडिकल को जो कवर करता है वो कोलियोराइजा है वो कोलियोराइजा है और जो प्लूम्यूल को कवर करता है वो कोलियोप्टाइल है

तो जो एल्यूरोन लेयर है वो किस में रिच है प्रोटीन में रिच है आंसर होगा बी इट इज प्रोटीनशियस इट इज आगे देखो 128 प्रोटीनशियस किस में है उसमें है है. को है है जो मोनोकोट क्योंकि मोनोकोट के एक बोलते हैं है ना स्क्यूटिलम बोलते हैं तो स्क्यूटिलम आपको किस में देखने को मिलेगा मोनोकोट मोनोकोड इसमें ऑर्किड है बाकी तीनों डाइकोट है बाकी तीनों डाइकोट है आंसर होगा ए आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन कितने एंड्रोशियम मस्टर्ड में अब याद करो मस्टर्ड ब्रैसी कैसी फैमिली ब्रैसी फैमिली का एक बार फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला याद करो तो उसके एंड्रोशियम में दो बाहर चार अंदर टू प्लस फोर टोटल सिक्स एंड्रोशियम थे वो डायग्राम याद करोगे टू प्लस फोर दो वर्ल्ड के अंदर टोटल सिक्स थे सिक्स थे सिक्स थे कितने एंड्रोशियम है कितने एंड्रोशियम है सिक्स एंड्रोशियम है ये डायग्राम से आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर वन थर्टी इनमें से कितने इनकरेक्ट है याद रखना आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है किसके बारे बारे में में फैमिली के ब्रैसी किसी का अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा क्या होगा ये आपको पता है एक्टिनोम होते हैं बाई होते हैं तो एक्टिनोम इनके बारे में करेक्ट है बाई इनके बारे में करेक्ट है एक्टिनोमोर्फिक इनके बारे में करेक्ट है ये जाइगोमोर्फिक नहीं हो सकते एक्टिनोमोर्फिक है तो जाइगोमोर्फिक कैसे होंगे है ना नहीं हो सकते बेटा इसकी ट्रिक बना लेंगे अच्छा, यहाँ पर क्या यह है तो पास कैसे है टू प्लस टू है बेटा टू प्लस टू है दो बाहर और उसके अंदर दो इस तरीके से है ना इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है तो फोर नहीं है ये गलत है इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये इनकरेक्ट है ठीक है अच्छा कोरोला की अगर अपने बात करें तो वो इनके अंदर फोर वेलवेट एस्टिवेशन से अटैच है टू प्लस टू नहीं है ये गलत हो जाएगा और अगर फोर है तो वो फोर फ्यूज नहीं है मार्जिन फ्यूज नहीं है ये भी गलत हो जाएगा कोई फ्यूजन नहीं है उसके अंदर ठीक है ठीक है उसके बाद अगर आप एंड्रोशियम की बात करो तो आपको पता है वो टू प्लस फोर है और अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं तो गाइनोशियम हाइपोगाइनस कंडीशन है यानी सुपीरियर ओवरी है तो ये करेक्ट है तो इनकरेक्ट मुझे बताओ क्या हो जाएंगे चार इनकरेक्ट है इनकर कैलिक्स गलत है कोरोला के बारे में गलत लिखा हुआ है चार चीजें गलत है आंसर डी हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 131 थर्टी वन फेबीसी को पहले क्या कहते थे पेपिलियोनिएसी वाज अर्लियर कॉल्ड एज पेपिलियोनिएसी दोनों लेग्यूमिनोसी में आते हैं ठीक है ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन आपके फेबेसी फैमिली के अंदर ही ये डायग्राम दे रखा है पी के अंदर ये किसका डायग्राम है बेटा अब ऐसे तो ये ये फ्रूट ही है बट आपको एल एस कर उसका कार्पल दिखाया हुआ है आप डायग्राम देखोगे तो ये आपको कार्पल दिखाया हुआ है वहां पे ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा एल एस ऑफ कार्पल ऑफ पी एल एस ऑफ कार्पल ऑफ पी आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फेबेसी का कैलिक्स कैसे होता है फेबेसी पहली फैमिली आपने वहां पर पढ़ी है उसका कैलिक्स आपसे पूछ रहे हैं कैसा है तो कैलिक्स के अंदर वहां पर वेलवेट एस्टिवेशन है कैलिक्स के अंदर वहां पर वेलवेट एस्टिवेशन है पोली कंडीशन नहीं है पोली कंडीशन नहीं है यहां पर वेलवेट well एस्टिवेशन और फ्यूजन भी आपको मिलेगा है ना तो आंसर क्या हो जाएगा सी गैमो है ये में नहीं है फ्यूज है आंसर क्या होगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर एंड्रोशियम एंड्रोशियम ऑफ ऑफ फेबीसी फेबीसी याद डाइएडल्फिस था एक वन अलग था और दूसरे में नाइन पूरा का पूरा बंच में था तो एक फ्री था नाइन यूनाइटेड था तो टोटल टेन है आंसर डी हो जाएगा

ये सब फेबिसी फैमिली के एग्जाम्पल हैं ये सब के सब फेबिसी फैमिली के एग्जाम्पल और फेबिसी फैमिली तो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है तो इनमें से कितने एंडोस्पर्मिक होंगे जीरो एक भी नहीं ये ऐसे आंसर करना था आपको कि आपकी फेबिसी में एंडोस्पर्म है नहीं सोलनेसी और लिलिय में है और ये सारे एग्जाम्पल फेबिसी के तो एक तरीके से चेक हो रहा था कि आपको दो फिनोमिना पता है या नहीं एक कि फेबिसी नॉन एंडोस्पर्मिक होती है दूसरा कौन सा एग्जाम्पल फेबिसी का है कौन सा नहीं तो आंसर ए हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 136 आपको एकदम करेक्ट फॉर्मूला बताना है सन हेम्प का जो आपके पास दो तो आप सीधा सीधा कट कर दोगे ठीक है? अच्छा अब इन दोनों ऑप्शन में आपको पता है इनका कैलिक्स में फाइव है, है फ्यूज है सही बात है कोरोला में इनके पास वेक्सिलरी एस्टिमेशन है एंड्रोशियम डाई कंडीशन में है और इसके पास बी होगा आंसर बी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन वन थर्टी सेवन हमें पटेटो फैमिली कौन सी होती है हमारी सोलेनेसी पटेटो फैमिली कौन सी है हमारी सोलेनेसी फाइंड आउट द वन विद रिस्पेक्ट टू आउट वन ओल्ड वन आउट ये तो पूछ रहे पर हम देख लेते हैं फाइंड आउट वन विद रिस्पेक्ट टू सोलेनेसी सोलनेसी में आपको क्या देखने को मिलेगा तो सोलेनेसी के अंदर ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी रेटिक्यूलेट वेनेशन

सोलिनम में आपको क्या इंफ्लोरसेंस देखने को मिलता है सो so, देखो वैसे साइमोज सोलिट्री आपने पढ़ा है लेकिन सोलिनम के लिए सोलिनम ऐसा लिखा हुआ है वहां पर डायरेक्ट ठीक है तो आंसर क्या होगा बी होगा ठीक है वैसे तो साइमोज सोलिट्री दोनों लिखा हुआ है पर सोलिट्री फिर करके लिखा हुआ है साइमोज इन सोलिनम है ना आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी आपको क्या बताना है इनमें से कितने करेक्टली मैचड नहीं है इनमें से कितने करेक्टली मैच नहीं है टबेगो की फैमिली के बारे में सोलनेसी में ही आपको आंसर करना है ठीक है तो ये आपके पास बाई कार्पिलरी होता है होता है ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है होता है क्या इनके पास आपको एपो कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है नहीं सिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है तो ये इनकरेक्ट हो गया ये पहला इनकरेक्ट हो गया क्या सुपीरियर ओवरी है सुपीरियर ओवरी है बाईलोक्यूलर है बाईलोक्युलर है प्लेसेंटा स्वोलन है विद मेनी ओव्यूल्स प्लेसेंटा स्वलन है विद मेनी ओव्यूल्स फ्री सेंट्रल प्लेजेंटेशन है इसको फिर रेड से मार्क कर रही हूं मैं फ्री सेंट्रल प्लेजेंटेशन नहीं है आप जानते हैं एग्जाइल प्लेसेंटेशन है एग्जाइल प्लेजेंटेशन है फ्रूट क्या इनके अंदर ड्रूप है इसको भी मैं रेड मार्क कर रही हूं आपको पता है ड्रूप फ्रूट इनके अंदर नहीं होता इनके अंदर बेरी या कैप्सूल मिलेगा

आपको किस में देखने को मिलता है परसिस्टेंट कैलिक्स इनमें से यहां पर ब्रिंजल में फेबेसी में नहीं है लिलिएसी में नहीं है परसिस्टेंट कैलिक्स सोलिनेसी में है ब्रिंजल में ब्रिंजल में ठीक है हाँ बिल्कुल आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू फिर से आपके पास क्या आ रहा है एक्टीनोमर्फिक आ रहा है बाई आ रहा है फिर आपके पास फाइव वेलवेट में फ्यूज कैलिक्स हैं कोरोला और एंड्रोशियम एपीपेटल कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ये फ्यूज भी है और हाइपोकनोसरी किसका फ्लोरल फॉर्मूला है बेटा ये सोलनेसी का किसका फ्लोरल फॉर्मूला आ रहा है आपके पास ये सोलोनेसी का तो इनमें से किस किस में सोलनेसी आ जाएगी यहाँ पे एलो आपको पता है ये लिलियसी में चला जाएगा मुलट्ठी फेबेसी में सनहेम्प इंडिगोफेरा फेबेसी में ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा और एलो लिलियसी में दो बेलेडोना और अश्वगंधा सोलनेसी के मेडिसिनल प्लांट दो ही हैं यहाँ पे दो ही है जो सोलेनेसी के हैं ठीक है ठीके? आंसर होगा बी आंसर होगा बी बेलेडोना अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट आगे देखो मकोई मकोई किसका नाम है सोलेनम नाइग्रम सोलेनम ट्यूबरोसम पटेटो होता है सोलेनम मेलेंजिना मेले होता है सोलेनम नाइग्रम मकोई होता है लिविंग वर्ल्ड से पढ़कर आ रहे हैं पहले चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं हम इसको तो आंसर ए होगा आंसर ए होगा आगे देखो ये आपको फ्लावर दिखा रखा है किसका लिलियसी फैमिली में ये डायग्राम बना हुआ है सिर्फ एक फ्लावर नहीं पूरी इन्फ्लोरेसेंस पूरी इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट आपको दिखाया है एलियम का है ये फैमिली का बट ये फ्लावर नहीं है बेटा ये ये इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस आपको दिखाया होगा ठीक है और टिप पर है एकदम टर्मिनेट कर रहा है तो रेजिमोज ये है नहीं आंसर क्या होगा आपके पास बी आंसर क्या होगा आपके पास बी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर वन इनमें से किसके सीड एंडोस्पर्मिक है फिर से सेम चीज आगे बेटा आपके पास आपकी फेबेसी फैमिली नॉन एंडोस्पर्मिक होती है बाकी सब एंडोस्पर्मिक है तो जो फेबेसी फैमिली है उसको मैं कट कर दूंगी बाकी सब एंडोस्पर्मिक है ठीक है एलो आपके पास लिलियसी है एस्पेरेगस आपके पास लिलियसी है ट्यूलिप आपके पास लेलिएसी है पटेटो टमेटो दोनों आपके पास सोलनेसी है पी पी आपके पास पी आपके पास फेबेसी है इसको मैं कट कर देती हूँ पेट्यूनिया फिर से आपके पास सोलनेसी है चिली आपके पास सोलनेसी है सेनिया सेसबेनिया और ट्राइफोलियम ये दोनों फेबेसी हैं इसलिए इसको कट कर रही हूँ दोनों हैं इसलिए उसको कट कर रहे हैं ल्यूपिन भी फेबेसी है है ना मुलट्ठी भी फेबेसी है अश्वगंधा सोलनेसी है कॉल्चीसीन लिली है ग्लोरियोसा भी लिली है तो कितने मैंने कट किए वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव हैं जो कि फेबेसी को बिलोंग कर रहे हैं है ना तो सॉरी इसको आंसर फाइव नहीं जाएगा ये टोटल फाइव है फाइव है जो किसको बिलोंग करे फेबेसी को तो वो नॉन इंडोस्पॉमिक है बाकी सब इंडोस्पॉमिक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन आंसर होगा टेन आंसर होगा टेन ठीक है आंसर होगा टेन अच्छा क्वेश्चन था है ना बस वही आपको एग्जाम्पल्स पता है सिर्फ ये चेक हो रहा था आपको एग्जाम्पल पता है या नहीं ये हो रहा था. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर अनियन फैमिली फैमिली का प्रेजेंटेशन कौन सा होता है बेटा एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है कौन सा प्रेजेंटेशन होता है एग्जाइल प्रेजेंटेशन होता है आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन एलो का गाइनोशियम क्या नहीं है लिलियेसी फैमिली का ही पूछ रहे हैं गाइनोशियम क्या नहीं है ट्राई कार्पिलरी ये होता है सिन कार्पस ये होता है सुपीरियर ओवरी इसमें होती एपो कार्पस नहीं मिलता फ्यूज है तीनों कार्पस फ्यूज है ट्राई कार्पिलरी है लेकिन एपो कार्पस कंडीशन नहीं है क्या नहीं है एपो कार्पस कंडीशन नहीं है आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट कॉलचिकम यानी फिर से लेलिए -ले की ही बात हो रही है क्या शो नहीं करता डज नॉट शो ब्रैक इसके पास है एक्टिनोमोर्फिक ये है बाई ये है तो ये तो शो करता है पेरियंथ आपको मिलेगा थ्री प्लस थ्री में है ना पेरियंथ आपको मिलेगा थ्री प्लस थ्री में और एंड्रोशियम भी इन्होंने थ्री प्लस थ्री कर कर ले रखा है लेकिन एंड्रोशियम फ्यूज नहीं बात ठीक है पेरियंथ है थ्री प्लस थ्री वो फ्यूज है आपस में एंड्रोशियम थ्री प्लस थ्री दो वर्ल्ड में है एपिटेपलस कंडीशन है दोनों फ्यूज भी है एपिटेपलस कंडीशन है पर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था बेटा एंड्रोशियम जो इसके यूनिट है स्टेमेंट के यूनिट है वो फ्यूज नहीं होते तो ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ट्राई कार्पुलरी फ्यूज ओवरी ये बात सही है तो इनकरेक्ट आपके पास बी है और देखो कितनी छोटी सी गलती थी कि इनका एंड्रोशियम फ्यूज नहीं है है ना जो यूनिट्स एंड्रोशियम की वो आपस में फ्यूज नहीं है ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था यहाँ पे तो आंसर बी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन आपको मिसमैच पेयर यहाँ पर बताना है ये फैमिली है एस्पेरेगस दे रखा है ये आपके पास कौन सी आ गई ये आपके पास कौन सी आ गई सोलिनसी फैमिली है सोलिनेसी फैमिली है हम्म और आपको यहां पर इन्होंने मस्टर्ड दे रखा है मस्टर्ड तो फेबेसी को बिलोंग करता है इधर आप देखोगे पाइसम सेटाइवम पी ये फेबेसी का ही फ्लोरल डायग्राम आपको दे रखा है और ये ब्रेसिकेसी का ही फ्लोरल डायग्राम आपको दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बी क्यों क्योंकि ये फ्लोरल डायग्राम सोलिनेसी का दे रखे मस्टर्ड फेबेसी है मस्टर्ड फेबेसी है है ना आंसर बी होगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 150 द फ्लोरल फीचर्स ऑफ एनजीओ स्पर्म रिप्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म एज किसी भी एनजीओ स्पर्म के जब आप फ्लोरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हो आप उन्हें फ्लोरल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उन्हें फ्लोरल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आंसर सी हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा आप दोनों ही तरीकों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो है ना आगे देखो तो यहां पर हमने हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिया 150 फिफ्टी क्वेश्चन हर एक एस्पेक्ट मुझे लगता है रिवाइज हो गया एग्जाम्पल्स रिवाइज हो गए फॉर्मुलाज रिवाइज हो गए डायग्राम्स रिवाइज हो गए काफी सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली तो थैंक यू सो मच इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो एनिमल किंगडम भी आज ही आपको मिल जाएगा और कल हम बाकी चैप्टर्स भी कर लेंगे चीट कोड की सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो लगे रहो एंड तक आपने रुकना नहीं है थैंक यू सो मच कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मोर कंप्लीट कंप्लीट लिख देना चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में ताकि पता चल जाए काम हो गया अपने मार्क्स मुझे बताना ओनेस्ट मार्क्स मुझे बताना कल हम मिलेंगे एनाटॉमी को भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है ओके बेटा थैंक यू थैंक